हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मल्टी वेरिएशन प्रोडक्ट की पीपीसी को किस तरह मैनेज किया जाता है और किस तरह कॉस्ट को नीचे हम कम कर सकते हैं और किस तरह इसकी पीपीसी स्ट्रेटजी को बनाया जाए ताकि वो बजट फ्रेंडली भी हो और हमारी जो कॉस्ट है, क्योंकि देखें ना, पीपीसी के अंदर हमारा मेन कंसर्न ही हमारी कॉस्ट होती है। ये हमारा स्पेंड है, हमारा स्पेंड कितना हो रहा है और हमारा आरओएस कितना आ रहा है और हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। तो अब जो वेरिएशन टाइप प्रोडक्ट होती है ना, इनकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग होती है और जो सिंगल होती है उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है। तो यहाँ पे सिनेरियो होंगे दो। पहला सिनेरियो ये होगा कि कुछ ऐसी वेरिएशन वाले प्रोडक्ट जिसमें बस 3 से 4 वेरिएशन हैं, कलर की वेरिएशन हैं या साइज की वेरिएशन है, ठीक है। या फिर उसमें सिनेरियो दूसरा ये है कि उसमें जो वेरिएशन है ना वो 10 से 15 हैं, ठीक है, 10 से 15 या 15 से 20 वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने इन दोनों सिनेरियो में किस तरह की पीपीसी स्ट्रेटजी बनानी है और आपने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले काम आपने ये करना है, आपने मार्केट में जाके देखना है कि कौन सी जो वेरिएशन है वो मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हो रही है। मतलब आप टॉप कंप्यूटर टॉप कीवर्ड निकालें, उन कीवर्ड में से आप देखें कि टॉप 20 कीवर्ड में से कौन सी वेरिएशन ने सर्च वॉल्यूम ग्रैब किया हुआ है, ठीक है, ये देख लें। फिर उसके बाद आप बीए शीट से देख लें कि कौन कौन एसिंस कितना कौन कौन से हाई कीवर्ड्स के ऊपर मार्केट शेयर उठा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, फर्ज करें मैं अब शूज़ हैं, मैं शूज़ को डील कर रहा हूँ, अब ब्लैक कलर, वाइट कलर और ग्रे कलर। अब मैं मार्केट में ये देखूंगा कि कौन से कलर की जो वेरिएशन है वो मार्केट में डोमिनेंट है, वो सबसे ज़्यादा बिक रही है। आपने ये देख लिया, ठीक है, उसके बाद आपको पता चल गया कि हाँ, जो ब्लैक कलर के शूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, तो मेरे पास ब्लैक, ग्रे और वाइट में है, तो मैं अभी ब्लैक के ऊपर, ठीक है ना, ज़्यादा फोकस रखूंगा। पहली चीज़ हो गई है ये एनालिसिस, आपने पहले लाजमी कर लेना कि कौन सी वेरिएशन की डोमिनेंसी क्या है, देख लिया। अब उसके बाद सिनेरियो पे आते हैं कि पहला सिनेरियो क्या है कि 3 से 4 वेरिएशन वाले जो प्रोडक्ट है ना उसकी पीपीसी स्ट्रेटजी किस तरह होगी। उसकी पीपीसी स्ट्रेटजी ये होगी कि आपने उस पर बनानी है तकरीबन 6 कैंपेन्स, ठीक है। एक कैंपेन आपने बनानी है हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर, उसमें आपने सिर्फ उस मैच टाइप उस वेरिएंट पर वेरिएंट को आपने डालना है जो सबसे ज्यादा बिक रही है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, 1 कैंपेन हाई एसवी कीवर्ड्स विद एग्जैक्ट मैच टाइप ऑन मोस्ट सेलिंग वेरिएंट, ठीक है। पहली कैंपेन आपने बनानी है, उस में आपने एग्जैक्ट मैच पे बनानी है और उसमें हाई सर्च वाले कीवर्ड ऐड करने हैं, और आपने इसमें जस्ट उस वेरिएंट को आपने ऐड करना है जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रहा है। जिस तरह हमारा ब्लैक शूज सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो हमने उसको टारगेट करना है, ठीक है। पहली कैंपेन आपने बना लेनी है इस तरह की। दूसरी जो कैंपेन है वो आपने बना लेनी है, उसको ना आपने 3 पे डिवाइड करना है। पहले ये कि आपने ना कलर वाइज जो वेरिएंट है ना उनके आपने कीवर्ड निकालने हैं, ठीक है, कलर वाइज आपने निकालने हैं। और उसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होंगे ना कलर वाइज, फर्ज कर हम लोग ब्लैक शूज बेच रहे हैं, हम लोग लिख देंगे लार्ज ब्लैक शूज फॉर मैन, इस तरह के जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे ना, ठीक है ना, उनको अपने एग्जैक्ट मैप पे आप टारगेट कर देना है और हर किसी को अलग अलग में वेरियंट पे लगाना है, ठीक है। मैं भी देता हूँ, लॉन्ग टेल कैंपेन ऑन लॉन्ग टेल, यस यस, लॉन्ग टेल कैंपेन, नहीं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऑन वेरिएंट टाइप, ठीक है ना, कि कौन सी वेरिएंट है उस लिहाज से आपने आपने क्या करना है, कीवर्ड ऐड टारगेट करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऑन वेरिएंट टाइप, ठीक है ना, वेरिएंट टाइप प्रोडक्ट ऑन एग्जैक्ट मैच, ठीक है। ये आपकी दूसरी कैंपेन बन गई, ठीक है। आपने दूसरी कैंपेन में क्या करना है, आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं वेरिएशन के लिहाज से, क्या मेरी एक प्रोडक्ट ब्लैक में है, ग्रे में है और व्हाइट में है, मैं इन तीनों के अलग अलग कीवर्ड फैच आउट कर लूंगा कि व्हाइट कौन से ऐसे कीवर्ड है जिसमें व्हाइट आ रहा है और लॉन्ग टेल है, कौन से ऐसे कीवर्ड जिसमें ब्लैक है लॉन्ग टेल उसमें ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है, कौन सा सा कीवर्ड जिसमें ग्रे कलर आ रहा है। मैं उन तीनों कीवर्ड्स को अलग से सेक्शन बना लूंगा, उन तीनों के ऊपर ना एक एक प्रोडक्ट को रन करके एग्जैक्ट माई टाइप पे मैं उसकी कैंपेन चला दूंगा अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारा पीपीसी स्ट्रेटजी का दूसरा ग्रुप बन गया।
फिर उसमें आपने क्या करना है, आपने बनाना है तीसरा, तीसरा ग्रुप में आपने क्या करना है, उसमें आपने इस तरह करना है कि ऑटो ब्रॉड फ्रेज, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ रन ऑटो ब्रॉड फ्रेज फ्रेज ऑन ऑल वेरिएंट्स इन वन कैंपेन, ठीक है ना। अब आपने ग्रुप थर्ड में आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है, आपने ऑटो की कैंपेन बनानी अलग से, उसमें से आपने तीनों वेरिएंट को आपने टारगेट कर देना है। फिर आपने ब्रॉड की कैंपेन बनानी है, उसमें भी आपने तीनों वेरिएंट को अलग से टारगेट कर देना है। फिर आपने फ्रेज की कैंपेन बनानी, उसमें भी आपने तीनों वेरिएंट को आपने एड अप कर देना है, ठीक है। तो इस तरह की हमारी तीन कैंपेन्स हमारी जो है ना वो ये बन जाएंगी, ठीक है। तो ये तीन हमारे एड ग्रुप्स हो गए, तीन ग्रुप्स हमारे बन गए पीपीसी स्ट्रेटजी के। चौथा जो है ना वो आपने कर देना है एसएम टारगेटिंग, ठीक है। एसएम टारगेटिंग करनी है बेस्ड ऑन रेलिवेंसी, ठीक है ना। और मैं बताता हूँ कि बेस्ड ऑन रेलिवेंसी किस लिहाज से, बेस्ड ऑन रेलिवेंसी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने ऐसे ऐसे उठाने, आपने पहले 10-15 ऐसे ऐसे उठाने जो सिर्फ वाइट शूज बेच रहे हो, ठीक है। आपने उनके ऊपर उनको टारगेट कर देना, और वहां पे आपने कौन से अपनी वेरिएंट ऐड अप करनी है, वाइट शूज वाली, वाइट शूज वाले पे वाइट एसेंस को आप कर दें टारगेटिंग। फिर ग्रे शूज के ऊपर ग्रे शूज वाले सारे सिलेक्ट करके उनके ऊपर एसेंस टारगेटिंग कर दें। फिर ब्लैक शूज वाले सारे एसेंस पकड़ के उनके ऊपर आप एसेंस टारगेटिंग कर दें। तो ये आपके बन जाएंगी चार ग्रुप्स। पहले के मैं दोबारा बता दूं कि पहले कैंपेन के अंदर आपने हाई सर्च वाले कीवर्ड्स को लेना है, और उसमें से आपने मोस्ट सेलिंग जो आपकी वेरिएंट होगी ना प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत ज्यादा बिक्री, आपने इसके ऊपर कैंपेन रनना कर देनी है। फिर दूसरी जो कैंपेन बनानी है वो आपने देखना है कि हर प्रोडक्ट के साइज के लिहाज से ना आपने उसके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को अपने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना, और तीनों के ऊपर अलग अलग एक कैंपेन बना देनी है, कलर के लिहाज से, उसके साइज के लिहाज से, जो भी उसका है। देखिए ना, हर प्रोडक्ट के अपने साइज के लिहाज से अपने कीवर्ड्स भी होते हैं। जिस तरह अगर ब्लैक शूज है तो वो लोग लिखते होंगे ब्लैक शूज फॉर मैन, और वो उस कलर के लिहाज से उसके अपने कीवर्ड्स हैं। आपने इस तरह तीन कैंपेन उसके ऊपर रन कर देंगे। फिर आपने क्या करना है तीसरे ग्रुप के अंदर, आपने क्या करना है रन, आपने ऑटो ब्रॉड फ्रेज ऑल वेरिएंट्स पे चलानी है एक कैंपेन में। एक कैंपेन आपने बनानी है ऑटो के ऊपर जिसमें तीनों वेरिएंट्स हो, फिर एक कैंपेन बनानी है अपने ब्रॉड के उसमें तीनों वेरिएंट्स हो, फिर एक कैंपेन आपने फ्रेज पे बनानी उसमें भी तीनों वेरिएंट्स आपने टारगेट कर देंगे। फिर सेम ऐसी आपकी एसेंट टारगेटिंग होगी रेलिवेंसी की बेस के ऊपर, कि ब्लैक एसेंस वाले जितने आपने पकड़ लेने हैं सबको उसके ऊपर ब्लैक एसेंस को टारगेट कर देना, सेम मैसेज व्हाइट और ग्रे, ठीक है। ये तो हो गया सिनेरियो वन के लिए जिसमें हमारे पास 304 वेरिएशन हो। अब सिनेरियो टू क्या है, ठीक है। सिनेरियो टू ये है कि डीलिंग विद मोर देन 10 वेरिएंट्स, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है, इस कंडीशन में आप लोगों ने ऐसा करना है कि 10 से ज्यादा ऐसे वेरिएंट्स हैं जिसको आप डील अप कर रहे हो, आपने गेन मार्केट रिसर्च करनी है, आपने गेन कंप्यूटर एनालिसिस करना है, आपने गेन बीए शीट को पढ़ना है कि इस नीश के अंदर कौन सी ऐसी वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा बिक रही है, ठीक है। अब फर्ज करें आपकी सारी वेरिएंट्स की ना आपकी जाहिर सी बात उसकी सोर्सिंग तो सेम होगी ना, तो आपने अब ये देखना है कि अब मार्केट में हर कोई बेच रहा है $15 में, और आप भी $15 के लिहाज से आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन सेटअप किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपकी जो मोस्ट सेलिंग जो वेरिएंट होगी ना आपने उसकी प्राइस कंपैरेटिव कर देनी है, मतलब कि मार्केट से थोड़ी सी डाउन कर देनी है। बाकी जो दूसरी वेरिएशंस होंगी ना उनकी प्राइसेस आपने 15 या 16 ही रखनी है, बल्कि आप 16 कर दें तो बेहतर है वो करके, और जो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है ना उसकी प्राइस आपने 12 कर देनी है या 11 कर देनी है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग रैंक होते जाएंगे। हाँ मानते हैं कि उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा मोस्ट वेरिएशन के ऊपर, लेकिन उससे आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी, आपकी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, आपकी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि जो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है हर कोई वो तो नहीं खरीदेंगे ना, लोग कुछ लोगों को दूसरे कलर भी पसंद आते हैं, वो आपसे परचेज करेंगे $16 के अंदर, तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो उससे आपकी एक तो रैंकिंग होती रहेगी ब्रेक इवन के ऊपर, और जैसे दूसरी जो प्रोडक्ट की सेल होती रहेगी वहां से आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट जनरेट होने लग जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी है कि इसके अंदर आप अगर आप 10 से ज्यादा वेरिएंट को आप डेवलप करें तो उसमें आप एक ही प्राइस नैरो डाउन करके उसको आप उसके ऊपर पीपीसी चला दें, और बाकी जो 9, 10, 12, 15 जो भी वेरिएशंस है उनकी प्राइस आप बढ़ा दें थोड़ी सी,
मतलब मार्केट से इतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी कि एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल ना हो, तो आपने मतलब कंपेटिटर से $1 $1.5 बढ़ा देनी है ऊपर, ठीक है, तो उससे आपकी रैंकिंग भी उतरेगी और आपका प्रॉफिट भी आता रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इसके ऊपर थी कि मल्टी डाइवर्जेंस प्रोडक्ट की पीपीसी को किस तरह मैनेज किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।